हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग अपने ओ लेवल के लेक्चर 6 को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि लेक्चर 5 में हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें रैम और रोम की बात थी की गई थी, आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग रिमूवेबल स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग रिमूवेबल स्टोरेज भी बोलते हैं। पहले तो ये है क्या, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। वो क्या होती है, एक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन वोलाटाइल होती है। मतलब कि इसमें जो भी डेटा रहता है वो लॉन्ग टर्म में पीरियड में रहता है। मतलब कि जैसे हम लोगों ने प्राइमरी के बारे में पता, रैम में जो पढ़ा था उसमें पावर कट होने पे डेटा लॉस हो जा रहा था, लेकिन अगर इसमें अगर हमने कोई डेटा रखा है, इन्फॉर्मेशन रखा है, वो तब तक लॉस नहीं होगा जब तक कि यूजर नहीं चाहेगा। यानी लाइट चली जाए, पावर कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो डेटा होता है वो लॉन्ग टर्म में रिटेन होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक, परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज होता है, यानी इस पर जो भी डेटा रहेगा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। ठीक, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। ठीक, तो अब बात होती है कि इसमें, और हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछ ले प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, फास्ट होता है कि स्लो होता है, तो आप क्या लगाएंगे, स्लो होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। अब बात आती है ये सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है, या इसमें कौन कौन सी ऐसी मेमोरी आती है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। उसमें जो पहले नंबर पे है वो है क्या, आपका हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है एक मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि हर कंप्यूटर में लग के आता है, अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक, यानी सीपीयू के अंदर लगा होता है। और इसको हम लोग, तो पहले पॉइंट तो ये हो गया कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है, इसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्क ही बोलते हैं। ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव को मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में कई सारे डिस्क लगे होते हैं जो कि मैग्नेट से बने होते हैं, उसको हम लोग प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटर। इसको यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, प्लेटर, PLATTER। जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क होती है मैग्नेटिक, उसको प्लेटर बोला जाता है, वो कई सारे होते हैं। ठीक, तो उनसे बना होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, यानी इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि हमने शुरू में बता दिया था। और अधिकतर किस में होती है, टीबी में होती है। टीबी का मतलब टेरा बाइट, ये लिख लेना, टेरा बाइट। अभी आगे बताएंगे टेरा बाइट मतलब क्या होता है। जैसे जीबी होता है, जीबी से बड़ा होता है टीबी, टेरा बाइट। एक टेरा बाइट बराबर 1024 गीगा बाइट। ठीक, तो अधिकतर जो इस समय जो हार्ड डिस्क ड्राइव आते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो टेरा बाइट में होती है। ठीक, तो हार्ड डिस्क भी क्या है, कॉमन सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। इसमें भी जो डेटा जितने भी इसमें भी जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। जो यूजर की फाइल, जो हम लोग फाइल बनाते हैं, गाना ले आते हैं, वीडियो ले आते हैं, सब कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं। जो हमारे सिस्टम की फाइल होती है वो भी कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है। यानी इसमें जो डेटा होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है और परमानेंट रूप से स्टोर होता है। ठीक, तो हमारा हार्ड डिस्क क्या है, एक मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आता है सीडी डीवीडी। पहली बात तो सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। वर्साटाइल को वीडियो डिस्क भी बोला जाता है, कहीं कहीं वीडियो लिखा जाता है, वो भी सही है। सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो गया, और सीडी डीवीडी को क्या बोला जाता है, इसको ध्यान देना, ऑप्टिकल ड्राइव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल ड्राइव। यानी वो जो प्लेट होती सीडी या डीवीडी की प्लेट होती है, उस प्लेट को जब ऐसे देखते हो तो ऑप्टिकल मारता है ना,
उस बेस पे इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। ये भी एक सेकेंडरी स्टोर डिवाइस है, इसमें डेटा स्टोर करते हो, वो डिलीट नहीं होता, वो जब हम चाहते हैं तब हटता है और इसको हम लोग लेके कहीं भी दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। वही काम इसमें भी होता है, हार्ड डिस्क में कोई डेटा है, तुम्हारा सिस्टम नहीं खुल रहा है, तुम हार्ड डिस्क निकालो, दूसरे सिस्टम में लगाओ, अपना डेटा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए रिमूवेबल पहले लिख दिया, रिमूव कर सकते हो। तो सी डी वी डी में डेटा रखा अपने कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में ले जाके एक्सेस कर लिया। तो सी डी वी डी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सी डी वी डी इज अ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ये कैसा डिस्क ड्राइव है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। कोई इसमें पूछता भी है इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, क्या आंसर लगाओगे? सी डी वी डी। ठीक, चलो अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। सी डी डी वी डी में अंतर ये है, सी डी जो सी डी की स्टोरेज पावर होती है वो डी वी डी की तुलना में कम होती है। यानी सी डी में अगर बात करें, सी डी में 700 से 750 एम बी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। सी डी में 700 से लेकर 750 एम बी तक का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेगाबाइट। एम बी मतलब मेगाबाइट। और एक डी वी डी में 4.2 से 4.8 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते, जीबी मतलब गीगाबाइट। एक जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट। तो देख रहे हो डीवीडी में डेटा अधिक आता है कि सीडी में कम आता है। एग्जांपल में पहले एक मूवी 3 सीडी में आती थी, अब 5 मूवी एक डीवीडी में आती है। तो समझ सकते हो डीवीडी की स्टोरेज पावर क्या होती है, हाई होती है। इसलिए डीवीडी क्या धीरे धीरे मार्केट से गायब हो, सॉरी सीडी धीरे धीरे मार्केट्स का और गायब हो जा रहा है, डीवीडी का जमाना आ गया। ठीक, तो दोनों में अंतर, सीडी में स्टोरेज पावर कम होती है, डीवीडी में स्टोरेज पावर ज़्यादा होती है। ठीक, चलो अब बात आती है सीडी कितने प्रकार के होते हैं। तो सीडी जो होता है या सीडी डीवीडी जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक सीडी या डीवीडी आर, एक सीडी आर डब्ल्यू। ठीक, CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डर और DVD RW का मतलब होता है CDRW मतलब होता है रीड राइट। ठीक, अब दोनों अंदर समझो, CDR मतलब रिकॉर्डर। अगर CD जिस CD के ऊपर या DVD पर CD DVD R लिखा होता है उसका मतलब उस DVD में केवल एक बार डेटा जाएगा। अगर तुमने कोई गाना इसमें डाल दिया, अब सोचो वो गाना हटा के कोई दूसरा गाना डाले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, रिकॉर्डर, खाली रिकॉर्ड करेगा बस, आप उसको हटा के मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए सीडी को सीडी रोम बोला जाता है, सीडी रीड ओनली मेमोरी। ठीक, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है एक बार डाल दिया तो उसको रीड कर सकते हो, राइट एडिट डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही तुमने महंगी वाली खरीदी है जिसके ऊपर CD DVD RW लिखा है, यानी रीड राइट, उसमें डेटा एक बार डाला, देखा होगा समझा, उसके बाद फिर हटा के फिर नया डेटा डाल दिया, मतलब इसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, किसमें? CD RW में। ठीक, तो RW क्या है, रीराइटेबल है, मतलब फिर से रीड और राइट कर सकते हो, इसको केवल रिकॉर्ड कर सकते हो ओनली वन टाइम। ठीक, यही दोनों में अंतर है। इसके अलावा इसी में एक टाइप और आता है, सुने होंगे ब्लू रे डिस्क, BLU ब्लू रे डिस्क। अधिकतर जो मूवी वूवी के बाद आती है उसमें तो सुना होगा, देखा होगा। ब्लू रे डिस्क की खास बात यह है, इसमें HD क्वालिटी की पिक्चर्स या मूवी को स्टोर किया जाता है। जो हाई डेफिनेशन क्वालिटी की मूवी या इमेज होती है उसके लिए ब्लू रे डिस्क का यूज किया जाता है, और इसकी स्टोरेज पावर 26 GB, 56 GB, 128 GB तक होती है। अगर ब्लू रे डिस्क है तो उसमें HD क्वालिटी की मूवी या इमेज या ग्राफिक्स को स्टोर करके रखते हैं, तो इसकी स्टोरेज पावर 26 GB, 56 GB, 128 GB तक होती है। इसलिए HD जो मूवी होती है उसको जो रिकॉर्ड करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जब CD DVD नहीं था तब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क में
भी डेटा रखते थे, स्टोर करते थे, कहीं दूसरी जगह जाके रिट्राइव या दोबारा प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि जब सीडीवी नहीं था तो डेटा ट्रैवल करने का माध्यम यही था। लेकिन ये क्यों मार्केट से गायब हुआ, क्यों हुआ ये समझो। इट कैन स्टोर अप टू 1.44 MB डेटा, यानी आप एक फ्लॉपी डिस्क में केवल 1.44 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे बस, कहाँ 700 MB, कहाँ 4.2 GB, कहाँ 1.44। लेकिन जब ये सारी चीज़ नहीं थी तो फ्लॉपी डिस्क का ही यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे ही लोगों को सीडी मिला, सस्ते मिला, डेटा अधिक स्टोर होने लगा, तो वो फ्लॉपी डिस्क और मार्केट से गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ही कम आता था। एक MP3 गाना भी 5 MB का होता है, सोच सकते हो कितना कम डेटा आता था। लेकिन जब नहीं था तो इसी का यूज होता था, इसलिए जब जैसे सीडी इंट्रोड्यूस हुआ तो ये मार्केट से गायब हो गया। तो अगर कोई पूछे फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा स्टोर होता है, 1.44 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और फ्लॉपी डिस्क को इट आल्सो कॉल्ड डिस्केट, DISKETTE, इट आल्सो कॉल्ड डिस्केट। डिस्केट क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें एक डिस्क लगी होती थी मैग्नेट की, और वो डिस्क क्या होती, चारों तरफ से प्लास्टिक से कोटेड होती थी, प्लास्टिक से घिरी होती थी। इसके स्वरूप के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, डिस्केट रख दिया गया, डिस्केट डिस्क को बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता भी इनमें से कौन डिस्केट ड्राइव है, तो आंसर क्या लगाओगे, फ्लॉपी डिस्क लगाओगे। ठीक, तो ये भी क्या है, एक डेटा ट्रैवलर की तरह यूज़ किया जाता था, डेटा परमानेंट रूप से स्टोर होता था, कहीं भी ले जाके एक्सेस कर सकते, इसीलिए किसके अंतर्गत है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत है। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा अगला जो सेकेंडरी स्टोर डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सभी लोग जानते होंगे। ठीक, ये रहा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और इसको USB ड्राइव भी बोला जाता है। USB ड्राइव, USB का फुल फॉर्म लिख लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव को USB ड्राइव भी बोला जाता है। ठीक, और पेन ड्राइव क्यों सेकेंडरी स्टोरेज, सब जानते हैं पेन ड्राइव छोटी सी एक मेमोरी होती है, इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा स्टोर करके हम लोग कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको डेटा ट्रैवलर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा भर के ट्रैवल करते हैं और कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंडरी क्यों है पता भी चल रहा होगा, इसमें डेटा होता है परमानेंट स्टोर होता है, बिना यूजर के चाहे डिलीट नहीं होगा, परमानेंट से स्टोर था, कहीं भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इसीलिए क्या है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। इसको USB ड्राइव बोला जाता है। USB ड्राइव क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेन ड्राइव को हम लोग कहाँ प्लग करते हैं, USB पोर्ट में प्लग करते हैं, इसीलिए इसको USB ड्राइव बोला जाता है। और USB क्या, USB की डिवाइस क्या होती है, प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, आगे बताएंगे जब पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लो पेन ड्राइव क्या है, USB ड्राइव है। और ये डिफरेंट स्टोरेज साइज की मार्केट अवेलेबल होती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, इस तरह की स्टोर होती है, मतलब स्टोरेज पावर की आती है। ठीक, तो पेन ड्राइव भी क्या है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। जब फ्लॉपी डिस्क नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था, CDVD नहीं था, तो मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जो पुराने लोग थे, जो उनकी शादी कैसेट बनती ना, VCR जो बड़ा सा होता था इस तरह, है ना, उसमें जो टेप रील होती थी, उस रील को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक टेप बोलते थे। उस मैग्नेटिक टेप में क्या होता था, डेटा हमारा स्टोर, हमारा RD, हमारा वीडियो उसी में चलता था ना, हमारे जो शादी का मूवी होता था उसी में स्टोर करते थे, यानी वो भी क्या करता था, डेटा को स्टोर करता था। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, उसी का यूज़ किया जाता था। लेकिन क्यों उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि वो रखना बहुत ही टफ चीज़ थी, उसको इन्वायरमेंट से भी बचाना था, पानी पड़ गया तो खराब हो गया, ज़्यादा धूप हो गया तो पड़ा खराब हो गया, लॉन्ग टर्म में कहीं रख दिया तब खराब हो गया, कट गया तब खराब हो गया, तो बहुत सारी कमी थी उसमें।
लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो उसी का यूज किया जाता था डेटा स्टोरेज में। ठीक, तो मैग्नेटिक डिस्क भी क्या है, हमारा एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसमें भी डेटा स्टोर करते थे, कहीं भी ले जाके एक्सेस कर सकते थे और परमानेंट रूप से डेटा स्टोर होता था। इसके अलावा तुम्हारा एसडी कार्ड, इसके अलावा तुम्हारा क्या है, एक अगला एसडी कार्ड जो तुम्हारे मेमोरी, जो तुम्हारे मोबाइल की मेमोरी कार्ड होता है, वो भी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। उसमें डेटा स्टोर करते हो, निकाला, दूसरे मोबाइल लगा दिया, मिल गया वही गाना, वही चीज़ें। ठीक है, तो एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर डिस्क। ये भी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं और ओ लेवल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आपको यही तरह बना के उसके अंदर चार चार पॉइंट लिखने होंगे बस। ठीक, और वन एक एक नंबर भी क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं, तो कोई चीज़ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इसके अलावा हम आपको और एक चीज़ बताने वाले हैं, वो है एक तो प्राइमरी सेकेंडरी बताया ही था, इसके अलावा एक होती है, मैंने शुरू में बताया था, एक स्पेशल टाइप मेमोरी होती है। प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा एक स्पेशल टाइप मेमोरी होती है, उसके अंतर्गत दो आते हैं, रजिस्टर और कैसे। रजिस्टर और कैसे, रजिस्टर इज अ फास्टेस्ट मेमोरी। अगर कोई पूछे सबसे फास्ट मेमोरी कौन से होती है तो क्या बताओगे, रजिस्टर बताओगे, उसके बाद कैसे बताओगे, उसके बाद रैम और रोम बताओगे, उसके बाद फिर वो सब पेन ड्राइव सी डी ये सब। तो रजिस्टर इज अ फास्टेस्ट स्मॉल क्विक एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको स्पेशल टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, सीपीयू के यानी हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रजिस्टर में जाके स्टोर होता है। और रजिस्टर क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। जब भी सीपीयू कोई चीज़ चाहनी होती है, कोई भी चीज़ उसे उसको उसको मतलब उसको ज़रूरत पड़ती है, तो रजिस्टर क्या करता है, उसको बिना लेट किए नैनो से भी नैनो सेकंड में सीपीयू को प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के तौर पे ये बफरिंग का भी काम करता है। एग्जांपल तुम्हारा यूट्यूब पे जब तुम वीडियो चलाते हो तो क्या होता है, आपके समय में क्या होता है, 10% अगर डाउनलोड हो गया तो तुरंत प्ले हो जाता था, प्ले हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो 10% डाउनलोड हुआ वो कहाँ चला गया, रजिस्टर चला गया। रजिस्टर ने क्या किया, तुरंत ही सीपीयू को भेज दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और वीडियो 10% प्ले हो गई। ठीक, तो रजिस्टर क्या करता है, तुरंत ही एक्सेस प्रोवाइड करता है। और कैसे क्या करता है, कैसे ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, ब्रिज की तरह काम करता है। ये भी फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है, इससे फास्ट नहीं है, फास्ट है, कॉस्टली है और परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू स्पीड। ये क्या करता है, सीपीयू के स्पीड की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देख लो, सीपीयू है, उसके बाद कैसे है, प्राइमरी, यानी सीपीयू कोई चीज़ चाहनी होती तो प्राइमरी मेमोरी पास नहीं जाता, वो कैसे से तुरंत ले लेता है। क्योंकि यूजर क्या करता है, तीन चार काम उसको दे दिया, T1, T2, T3, जब तीन काम प्राइमरी मेमोरी दे देगा तो प्राइमरी मेमोरी का लोड बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक, तो इसको कम करने के लिए वो क्या करता है, जो प्राइमरी मेमोरी है तीनों को यहाँ भेज देता है, T1, T2, T3। अब कैसे, वो खाली हो गया तो वो और काम करेगा। अब T1, T2, T3 क्या, और फिर वन बाई वन क्या हुआ, सीपीयू के पास जाएगा। यानी ये क्या करता है, पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, प्राइमरी मेमोरी लोड कम करता है, जिससे हमारी सीपीयू की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, तो आई थिंक आपको रजिस्टर और कैसे समझ में आया होगा। मेन इसमें जानना क्या है, सबसे फास्टेस्ट क्या होती है, रजिस्टर होती है, उसके बाद कैसे होता है, उसके बाद प्राइमरी होती है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक, बाकी नोट्स में सारी चीज़ें रहेंगी, आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम लोग इसी तरह आगे वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।